Welcome to our YouTube channel Study Rate. Here, I'm Sneha. I would like to introduce top 20 MCQ questions with full explanation. You can give full quiz on our website. Link is mentioned in description box. Class 11th Biology Chapter 12 Mineral Nutrition. Here, top 20 MCQs. First MCQ is oxygen sponges present in root nodules of legume is. ऑक्सीजन स्क्वेंजेस रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में ऑक्सीजन स्क्वेंजर कौन सा प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन या फिर लेग हीमोग्लोबिन, साइनो हीमोग्लोबिन या फिर नन ऑफ दिस। ऑक्सीजन स्क्वेंजर जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है वो होता है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और ये एक टाइप का ऑक्सीजन के लिए स्पेंजर का काम करता है। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो नाइट्रोजिनेस एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान। ठीक है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है? पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। सो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसके लिए जो एलिमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है पोटेशियम। मेनली पोटेशियम जो होता है वो ओपनिंग एंड स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट आर ऑलवेज लो इफ द कंसंट्रेशन इंक्रीज इट लीड्स टू। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई, अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्पटम हो जाते हैं, सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है या फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है या फिर सेल की इलोंगेशन हो जाती है। मेनली टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है अगर हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम हो गई है या फिर किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। अगर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन आपको पता है कि वो ज्यादा हो गई है, यानी कि वो सब्सटेंस एक तरीके का टॉक्सिक हो गया है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो गई है उस सब्सटेंस की, जिसकी वजह से क्या होगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। ठीक है, मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कौन करता है? स्टेम करता है, लीफ करता है, रूट करता है या फिर बर्ड्स करती है? अब सोयल के डायरेक्टली टच में तो क्या आती है, रूट। रूट की हेयर्स जो होती है वो मेनली हेल्प करती हैं वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने के लिए। सोयल से वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने के लिए रूट के हेयर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम जॉइंट होते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में जो हमें मिलती है वो N2 की फॉर्म में मिलती है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द 3 कोवलेंट बॉन्ड। 3 कोवलेंट बॉन्ड की वजह से दो नाइट्रोजन बॉन्ड जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है और दो नाइट्रोजन एटम एज ए जॉइंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए 2 नाइट्रोजन एटम जॉइंट बाय द ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट फ्रॉम नाइट्रोसोमोनास की अमोनिया है, अमोनिया आ जाएगा NH3। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में NO3 नेगेटिव में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, पहले तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, फिर उसके बाद नाइट्रोबैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास चाहिए होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। इट इज द सेकेंड स्टेप इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है एटमोस्फियर वाली ट्रिपल बॉन्डेड
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है यूजफुल कंपाउंड में. ओके तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है नाइट्रिफिकेशन. ये प्रोसेस अमोनिया कन्वर्ट होता है और ये सेकेंड प्रोसेस होती है इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन. एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप. जाइलम के सैप को जब हम देखेंगे तो ये क्या दिखाता है कि इसमें एंजाइम है, ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट है या फिर मिनरल सॉल्ट है. जाइलम सॉल्ट की प्रेजेंस जो होती है वो दिखाती है कि उसके अंदर मिनरल सॉल्ट है. प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स. ये रॉक मिनरल से डिराइव होते हैं. इनका रोल होता है प्लांट को न्यूट्रिशन करने में या फिर मिनरल न्यूट्रिशन में. इनका मेनली रोल होता है प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मिनरल सॉल्ट. ठीक है आगे अगला क्वेश्चन है हमारा. जाइलम इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. कौन सा एंजाइम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की जिसमें यूजफुल नाइट्रोजन एक सॉरी एटमोस्फियर वाली जो नाइट्रोजन है वो यूजफुल नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है. बट बायोलॉजिकल का मतलब क्या है. लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं इनकी कन्वर्जन में. लिविंग बैक्टीरिया हेल्प करते हैं. तो एंजाइम कौन सा चाहिए होता है. कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजनेज डिहाइड्रोजिनेज या फिर नाइट्रोजिनेज. तो कौन सा एंजाइम हेल्प चाहिए होता है वो होता है नाइट्रोजिनेज. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होती है जो कि माइक्रोब में पाए जाते हैं. ठीक है उसके बाद है इंसेक्टिवोरस. प्लांट्स ग्रो होते हैं जहां पर कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट सोइल होती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल होती है, विटामिन सी चाहिए होता है, जहां पर हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं. इंसेक्टिवायरस प्लांट ऐसे वहां ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल होती है. इंसेक्टिवायरस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना जो न्यूट्रिएंट है प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो गेन करते हैं वो कहां से गेन करते हैं. ट्रैप कर कर कंज्यूम कर कर एनिमल्स को. इंसेक्टिवायरस मतलब इंसेक्ट को खाने वाले वो इंसेक्ट को कंज्यूम कर कर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है तो उनको ये वही वही ग्रो करते हैं जहां पर इंसेक्ट उनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देता है. ठीक है तो वो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं वो वहां ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंट होती है डेफिशिएंसी होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है. अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट देखो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं. ऐसे मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट जो लेसर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में कम क्वांटिटी में चाहिए. माइक्रो का मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है जैसे कि इसमें आता है आयरन मैग्नीशियम मैग्नीज सॉरी मैग्नीज जिंक आयोडीन फ्लोराइड सेलेनियम या फिर बोरोन. तो मैग्नीशियम एक टाइप का माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है. ठीक है आगे है फॉस्फोरस की प्रेजेंस होना. फॉस्फोरस है तो यानी कि हेल्दी रूट ग्रोथ है. रूट की राइपनिंग को प्रमोट कर रहा है प्रोटीन की फॉर्मेशन को रिटार्ड कर रहा है. फॉस्फोरस का प्रेजेंस होना हेल्दी रूट की ग्रोथ करता है. फॉस्फोरस एक एसेंशियल एलिमेंट होता है प्लांट का. ये वेरियस प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एनर्जी स्टोरेज एनर्जी ट्रांसफर सेल डिवीजन. ये हेल्दी रूट ग्रोथ करता है हास्टनिंग करता है मैच्योरिटी की. इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल के अंदर जो भी प्रेजेंट होते हैं वो इजी अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए. ठीक है तो ये क्या करता है हेल्दी रूट की ग्रोथ करता है. फॉस्फोरस जो होता है हेल्दी रूट की ग्रोथ करता है मेनली. कैबेज में जो व्हिप टेल होता है वो एक करैक्टरिस्टिक डेफिशिएंसी डिजीज है. इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिप टेल. कैबेज में जो व्हिप टेल होता है वो एक टाइप का करैक्टरिस्टिक डेफिशिएंसी डिजीज होती है. ये एक डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है. क्लोरीन की वजह से मॉलीबेडनम की वजह से मैग्नीशियम की वजह से या बोरोन की वजह से. विपटेल में क्या होता है कि जो लीफ के ब्लेड्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते या फिर वो ट्रैप लाइक हो जाते हैं. विपटेल नाम की डिजीज में लीफ के ब्लेड्स डेवलप नहीं हो पाते तो जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो सवरली डिफॉर्म हो जाता है और उसके अंदर कोई शेप नहीं गेन हो पाती. ठीक है जो उसका लीफ ब्लेड है तो वो डेवलप नहीं हो पाते तो इससे क्या होगा कि लीफ का जो ग्रोइंग पॉइंट है वो ही डैमेज हो जाता है. ये कंडीशन होती है कॉलीफ्लावर में. ठीक है किसकी वजह से मॉलीबेडनम की वजह से. और मॉलीबेडनम की कमी की वजह से ये डिजीज होती है और ये तब होती है मेनली जब
सॉइल हमारी जो होती है वो एसिडिक पीएच में होगी, यानी कि सॉइल 4 to 5 pH में होगी, तब ये हमारी कंडीशन होती है एक विप टेल की कंडीशन, जहां पर लीफ ब्लेड प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते और इसका जो लीफ का ग्रोइंग पॉइंट है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। और मॉलिबेनम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, एसिडिक सॉइल होती है जब वहां पर पीएच जिनकी 4 से 5 pH की बिलो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात आ रही है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज या फिर फॉस्फोरस। मैग्नीज जो है वो एक इम्पोर्टेंट असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट्स के अंदर, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। बाकी सारे अगर आप देखोगे कैल्शियम, मैग्नीज, सॉरी कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस, ये एक टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन मैग्नीज माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। एनपीके का मतलब क्या है? एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एनपीके डाला जाता है किसी भी फर्टिलाइजर में, ठीक है, एक प्राइमरी मार्कर होता है जिसे तुम फर्टिलाइजर के बैग पर नोट करते होगे, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोजन एलिमेंट भी है, फॉस्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, थ्री न्यूट्रिएंट जो कि कंपोज करते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर के बैग के ऊपर आप देखोगे। आगे है फाइटोट्रॉन का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, म्यूटेशन को इंडक्ट करना, या फिर इरिडेशन को कंट्रोल करना, या फिर प्लांट्स को कंट्रोल इन्वायरमेंट पे ग्रो करवाना। फाइटोट्रॉन का मतलब होता है कि प्लांट्स को कंट्रोल इन्वायरमेंट पे ग्रो करवाना, ठीक है। एक फाइटोट्रॉन एक टाइप का ग्रीन हाउस होता है जो कि यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए, जो भी इंट्रैक्शन है प्लांट्स और एनवायरमेंट की, उनकी इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम ग्रीन हाउस यूज करते हैं। ये एक प्रोडक्ट होता है प्लांट फिजियोलॉजी का और बॉटनी का। ये फर्स्टली बिल्ड हुआ था डायरेक्शन ऑफ द फ्रिस वानमोट वेंट के डायरेक्शन में, ग्लास हाउसेस में। जब प्लांट्स को हम आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसे कहते हैं फाइटोट्रॉन। एग्रीकल्चर में भी एप्लीकेबल है, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर में भी इसको एप्लीकेबल किया, यूज किया जाता है फाइटोट्रॉन का, क्योंकि हमने इसमें प्लांट्स को कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ग्रो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसने डिस्कवर करी थी? जेरिक ने, नेहर सेकमैन ने, या फिर लेबिग ने, या फिर विनोग्रेंसकाय ने? जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन थी वो विनोग्रेंसकाय ने यूज करी थी, उसने ही डिस्कवर करी थी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली प्रोकैरियोट से होती है, जिसमें रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ मेनली प्रोकैरियोट, इसमें यूज किए गए थे। कौन से एनिमल्स? प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया वगैरह यूज किए गए थे। ये एक कैपिटल इंपॉर्टेंस अलाउंग फॉर द रिकवरी ऑफ नाइट्रोजन इरिवर्सिबली लॉस इन द इकोसिस्टम ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्टिविटी। ये नाइट्रोजन की साइकिल को मूवमेंट करवाने के लिए होते हैं कि नाइट्रोजन इरेगुलरली मेंटेन रहेगा इन्वायरमेंट के अंदर भी और बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में भी, और ये एक इवेंट होता है जो कि मेनली क्या करता है, अमाइनो एसिड को एसिमिलेटेड करने के लिए यूज किया जाता है। आगे है एक्जेंथीमा। एक्जेंथीमा किसकी डेफिशिएंसीज होते हैं? बोरॉन, मॉलिबेडनम, मैग्नीज या फिर कॉपर। एक्जेंथीमा क्या होता है? एक तो एक्जेंथीमा में मेनली कॉपर की डेफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल होती है एक्जेंथीमा, अगर सिट्रस में हो रहा है तो, ठीक है। फ्रूट रिवेल पैचेस ऑफ गम अराउंड द सेंट्रल पिथ, एक्सुडेशन ऑफ गम कैन आल्सो बी ऑब्जर्व ऑन द रिंड। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर सिट्रस फ्रूट में कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से एक्जेंथीमा नाम की कंडीशन होती है, जहां पर गम का एक्सुडेशन होता है और गम के पैचेस हो जाते हैं सेंट्रल पिथ में, पिथ में गम के पैचेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है फॉस्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, सेल वॉल या फिर क्लोरोफिल। फॉस्फोरस
सेल मेम्ब्रेन का भी कॉन्स्टिट्यूंट है और न्यूक्लिक एसिड का भी है। तो ए एंड बी ये मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो भी शुगर न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती है, अब आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर होती है हमारी, एक तो होती है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, एक होती है हमारे पास शुगर राइबोज। जो भी नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो होते हैं प्यूरीन एंड पाइरिमिडिन, ठीक है। फॉस्फेट जो होती है वो फॉस्फोरिक एसिड होती है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, जब हम फॉस्फेट ग्रुप को न्यूक्लियोसाइड के साथ यूनियन करेंगे। न्यूक्लियोसाइड में होता है शुगर मॉलिक्यूल जिसमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है वो मेनली क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेस के साथ कंबाइन होता है और ये सेल मेम्ब्रेन की भी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड तो ऑलरेडी ही फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं, ओके। अब है टॉक्सिसिटी ऑफ दिस एलिमेंट लीड टू द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट ऑफ लीव्स। लीव्स के ऊपर ब्राउन स्पॉट की अपीयरेंस है, ब्राउन स्पॉट दिखाई देते हैं वो भी किस एलिमेंट की, टॉक्सिक पावर की वजह से दिखाई देते हैं, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, आयरन की या फिर कॉपर की। एलिमेंट्स के ऊपर जो टॉक्सिसिटी है, एलिमेंट्स की लीव्स के ऊपर ब्राउन स्पॉट जो है वो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से दिखाई देते हैं। और डिक्रीज अपटेक ऑफ बोथ मैग्नीशियम और आयरन, मैग्नीशियम और आयरन की दोनों की डिक्रीज अपटेक की वजह से और टॉक्सिसिटी मैग्नीज की वजह से दिखाई देते हैं, ठीक है। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से दिखाई देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो बाइंडिंग होती है मैग्नीज की दूसरी एंजाइम के साथ वो इनिबिट हो जाती है और ये क्या होता है कि क्लोरोफिल के प्रोडक्शन को भी कम कर देता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में मेनली मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम जरूरी है, मैग्नीज मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से ब्राउन स्पॉट भी होता है, क्लोरोटिक वेन्स भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सोइल बाय द प्लांट। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है सोइल से, ठीक है, सोइल से फॉस्फोरस को अब्सॉर्ब करने का काम करता है। ग्लोमस, फ्रेंकिया, राइजोबियम या फिर एनाबिया। ग्लोमस जो मेंबर्स होते हैं, कई सारी जीनस, एक ग्लोमस की जीनस है, ठीक है, ग्लोमस एक टाइप का जीनस है। इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो मेनली माइकोराइजा की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और माइकोराइजा एक टाइप का फंगस सिम्बायंट है जो फॉस्फोरस को सोयल से एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को सोयल को प्लांट्स में फॉस्फोरस सप्लाई करता है। तो ग्लोमस जीनस के जितने भी मेंबर होते हैं वो हेल्प करते हैं माइकोराइजा की फॉर्मेशन में। माइकोराइजा में क्या होता है, फंगल होते हैं, ठीक है, सिम्बायंट, फंगल सिम्बायंट होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके एटमोस्फियर, सॉरी, प्लांट्स के लिए फॉस्फोरस को फिक्स करके देते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे और सॉइल में फॉस्फोरस की एफिशिएंट सप्लाई हेल्प करेंगे, ठीक है। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। यू कैन गिव फुल क्विज ऑन अवर वेबसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।